हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 13 नवंबर से अगहन मास शुरू हो चुका है, जो 12 दिसंबर तक रहेगा। इस महीने से जुड़ी कई परंपराएं भी हैं, उन्हीं में से एक है इस महीने में रोज सुबह नदियां तालाब में स्नान करना। अगहन मास में नदी स्नान का धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक महत्व भी है। बताते हैं आपको अगहन मास में नदी स्नान की परंपरा से क्या लाभ होते हैं। अगहन मास को रोग दूर करने वाला भी कहा जाता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण इस मास का अनुकूल वातावरण है। वर्षा ऋतु में आसमान बादलों से ढका रहता है, ऐसे में कई सूक्ष्म जीव पनपते हैं और रोग फैलाते हैं। इसके बाद जब शरद ऋतु आती है तो आसमान साफ हो जाता है और सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर आती हैं, जिससे रोगाणु खत्म हो जाते हैं और मौसम स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो जाता है। ताजी हवा, सूर्य की पर्याप्त रोशनी शरीर को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाती है। सुबह उठकर नदी में स्नान करने से ताजी हवा शरीर में स्फूर्ति लाती है। यही कारण है अगहन मास में सुबह नदी स्नान का विशेष महत्व धर्म शास्त्रों में लिखा गया है। एशियानेट न्यूज़ हिंदी की रिपोर्ट।